एक दिन YouTube पे देखना इसने मेरे साथ ऐसा किया था। इसके बाद मैं अब्बू को खिलाऊं। उसे सोच रही थी ना, मुझे अभी याद आई है, तो बात कुछ इस तरह से है ना, यहाँ ना 200 घर के करीब गरीब हैं, उनके यहाँ गोश्त ताकि पहुँचता भी नहीं है, फुर्सत भी नहीं है कि वो हिस्से रखें और कुर्बानी करें। उनके यहाँ ना गोश्त भी बहुत मुश्किल से पहुँचता है क्योंकि यहाँ ना बहुत ज़्यादा गरीब है। तो जिस बहन भाइयों ने बड़ा जानवर खरीद कर कुर्बानी करवानी हो, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से उनका मैं जानवर खरीद कर कुर्बानी करवा सकती हूँ। क्योंकि बच्चा को अभी बताया नहीं है यार, चल के जाएंगे तो फिर बताएंगे ना सर। बहुत यार अच्छा है, तो विवाह अभी ये इनको करेंगे फिट। अभी नया लाया किस्तों पे, शीशे वगैरह भी लगाएंगे इसको, मोबाइल भी बदलेंगे, सबको चेंज करेंगे। तो विवास मोटरसाइकिल में घर लेके आ गया हूँ, बच्चों को पता भी नहीं है, घर वाली को भी नहीं पता। आज बच्चों को और बेगम को सरप्राइज दूंगा क्योंकि मोटरसाइकिल तो है ही नहीं थी, इसलिए आज मोटरसाइकिल ली है। बच्चों को स्कूल भी छोड़ूंगा, किस्तों पे ली है। चलो बच्चे भी खुश हैं, उन्हें पता भी नहीं है बाहर कौन आया हुआ है, वो ये समझ रहे होंगे कोई बाहर आया हुआ है, इसलिए बाहर नहीं आ रहे। वो अभी दरवाज़ा खड़काते हैं या हॉर्न बजाते हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन निकलता है। अस्सलाम वालेकुम बेगम। आपके भाई कहाँ गए, ये कहाँ से लिया आपने? मैंने कहा है आज बेगम को ना, बेगम को और बच्चों को भी जरा जो है ना मैं सरप्राइज दूंगा भाई, जो है ना बेगम जो है ना भी लेकर आए हैं सब बच्चे दो बार आमना और सामना और बेगम साहब बाहर आ गई है। ये मिठाई भी लिया इसके लिए, इन्हों के लिए, बच्चों के लिए भाई, जो हमारी जिंदगी में ना पहली खुशी और पहली कामयाबी यही है मोटरसाइकिल। तो आमना आप रोज कहती थी ना हमारे लिए बाइक नहीं है, रोज झगड़ कर जाती थी, कभी कहती थी आधा ना आ जाते हैं फिर लेने जाते हैं, तो आपके लिए ज्यादा खुशी की बात है कि अबू जान जो है ना बताया भी नहीं, बिन बताया आपके लिए आज पहली जिंदगी में पहली खुशी दी है। जैसे बहन भाई को अच्छा लगा हो तो हमारे गरीबों के लिए कॉमेडी अच्छा तो अच्छा जरूर करना है, क्योंकि इतनी फुर्सत तो नहीं कोई बड़ी चीज़ ले सके, हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि बहुत बच्चे भी खुश हो गए हैं, बेगम साहब भी खुश हो गए हैं क्योंकि बच्चे स्कूल भी जाएंगे और सब्जी पैदल लेने जाता था मैं, चलो बैग ले लिए अभी सब्जी भी लूँगा। अब मुझे आप एक झूला खिलाएं, सुबह स्कूल जाएंगे तो झूला खिलाऊंगा। चलो बैठो ले लो मिठाई, मोटरसाइकिल की। चल बैठ सानो और आमना कह रही है बे हमें झोला एक खिलाओ। बिस्मिल्लाह की बरकत, बिस्मिल्लाह तो विवाद
खुशी के मारे जो है मैं सलाम करना भूल गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। जो मेरे बहन भाई दुख तकलीफ में हैं, अल्लाह ताला उनकी दुख तकलीफ को जो है दूर करे, अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे। जो बाहर हैं उनको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता करे। इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो बस माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से आज ना अल्लाह पाक ने दिल की खुशी पूरी की है, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार मियाँ साहब ना कुछ तरक्की के बारे में सोचा है, तो आज बच्चों को ना उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी दी है। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता से खुशी मिलती है, एकदम तो नहीं मिलती ना, आहिस्ता आहिस्ता से कर रहे हैं, रब की ज़ात पर शुक्र अदा करते हैं। तो एक वक्त था ना, एक वक्त था हम पैदल आते जाते थे, कभी भाई से मांग कर, कभी किसी से मांग कर। अल्लाह पाक ने दी है आज अपनी सवारी, तो अक्सर जो है वीडियो बनाने बाहर जाते हैं ना, ये बाइक ना हमारे लिए ज़रूरी थी, क्योंकि मुझे ना गरीबों से ज़्यादा प्यार है। अल्लाह पाक से मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सब गरीबों को ना हिम्मत दे। जिस तरह से पाकिस्तान के हालात हैं ना, यकीन माने ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल से कटती है। बच्चों को देख बाइक मट्टी है, नीचे नीचे सब मट्टी है। बेगम साहब आपको भी झोला खिलाना है? नहीं नहीं झोला नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी, अल्लाह पाक नसीब करे मैं वक्त पर खाऊंगी ऐसे नहीं। बेगम साहब आप खोलो ना। वाह रसगुल्ले और गुलाब जामुन है भी। बच्चे ना रसगुल्लों को देख कर मुंह में पानी आने लगा। तो बस मेहनत जो है मियां साहब से लेकर ना सब घर वालों ने की है, तो मेहनत का फल जो है ना पाक देता है। तो मियां साहब आप बैग ले आए हैं, इनकी कितनी किस्त है? तो बेगम इसकी किस्त तो बस ना पूछे, इसकी किस्त 20,000 रुपया है। तो ये बात सही, ये जो है ना ये मोटरसाइकिल ये सब जो शय वगैरह लेके आए ना, ये मेरे बच्चों का नसीब है। जो मेरे बच्चे कहते हैं भाई पापा ये चीज ले लो, ये चीज दिला दो, वो चीज दिला दो। 3 साल पहले जो है यकीन माने हर चीज के लिए तरसते थे बच्चे, कहते थे तो चुप कर जाती थी, और बाद में जो है रोती थी क्योंकि मेरे बच्चे। तो औलाद में जो है ना, जब मजदूरी पे जाता था ना, कभी मजदूरी लगती थी कभी नहीं लगती थी मजदूरी, बहुत ज्यादा काम किया मैंने। क्यों कभी शादी हाल में काम देगे धोता था, बर्तन साफ धोता था, देगों के देगों से ला के चम्मच तक, मैं एक एक चम्मच तक काम किया है, क्योंकि उसकी मजदूरी तो इतनी होती भी नहीं थी। हाथों के जो नखून होते थे ना ये ख़त्म हो जाते थे। बेगम पूछती थी क्या हुआ, बेगम को क्या बताता, मैंने कहा बेबा मजदूरी पे गया था। कसम से हम जो अपनी ज़िंदगी की पूरी लाइफ है ना आप विवाद से शेयर की है, क्योंकि हम तो इतने जो है भी पढ़ा लिखा मैं इतना हाई हूँ भी नहीं, क्योंकि मैं जब मैरिज हाल पे जाता था कभी काम लगता था कभी नहीं लगता था, कभी बच्चे दो दो दिन भूखे भी सो जाते थे, कभी ना फ़ायदा ये होता था कभी हाल में फंक्शन हो जाता था बच्चों का जो है ना, ये सब बहुत खुश हो जाते थे भाई, कभी चाइनीज़ पुलाव आ जाता था, कभी जर्दा कभी मटन कभी चिकन, ये चीज़ें मिलती थी, मैं बच्चों को आ देता था, बच्चे खुश होकर खाते थे। तो विवाद से जितने बहन भाई हमारी मदद करते हैं, जितने बहन भाई हमारे हमें इस तक पहुँचाया, उस तमाम बहन भाइयों के लिए हम तह दिल से दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला उनके जो मुसीबतें अल्लाह ताला उनकी दूर कर कर, अल्लाह ताला उनको हमारी ज़िंदगी भी उन्हें लगा दे। तो विवाद अभी भी हमारी वीडियो पड़ी होंगी, आप हमारी ज़िंदगी की जो हकीकत कहानी थी ना, आप सब बहन भाइयों को वही हम शेयर करते हैं। कभी हमने झूठ नहीं बोला, कभी वो जो
लोग चैनल में ये दिखाते हैं वो दिखाते कुछ हैं करते कुछ है, जो जिंदगी में आया है वो आप सब बहन भाइयों से शेयर किया है, जो खुशी छोटी से छोटी मिली है वो आपसे शेयर किया है, क्योंकि आप YouTube फैमिली हो तो हमारी खुशी हो, आप सब ने इतना किया है हमें यहाँ तक पहुँचाया है। तो बच्चे जो है अभी मिठाई लेकर बैठे हैं। एक बात जो है मैं कल से सोच रही थी ना, मुझे अभी याद आई है, तो बात कुछ इस तरह से है ना, यहाँ ना 200 घर के करीब गरीब हैं कि ना गरीबों की ना फुर्सत भी नहीं है कि वो हिस्से रखें और कुर्बानी करें, उनके यहाँ ना गोश्त भी बहुत मुश्किल से पहुँचता है क्योंकि यहाँ ना बहुत ज़्यादा गरीब है। तो जिस बहन भाइयों ने बड़ा जानवर खरीद कर कुर्बानी करवानी हो तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से उनका मैं जानवर खरीद कर कुर्बानी करवा सकती हूँ। ये तो हिस्ती तौफीक है कि मुझे भी सवाब होगा गरीबों तक पहुँचाने में। अभी जो है ना बेगम साहब का मुंह मीठा कराते हैं, बिस्मिल्लाह दी बरकत। बिस्मिल्लाह, आप पहले आप खाएं पहले आप खाएं एक दिन YouTube पे देखना इसने मेरे साथ ऐसा किया था इसके बाद मैं अब्बू को खिलाऊंगी बस आप खाएं तो विवाह हमारी छोटी सी फैमिली है, आप सब की दुआओं से है। तो विवाह सब बच्चे जो है ना एक एक क्लास रसगुल्ला खा चुके हैं। अभी मुजम्मिल कैप्टन किधर गया? मुजम्मिल कहाँ गया है? वो आएगा, उससे भी खिलाएंगे।